For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. दोस्तों 1 दिसंबर को एक मास्टरपीस रिलीज हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ संजय लीला भंसाली सर की अपकमिंग फिल्म पद्मावती के बारे में, जिसे अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। मैं हूँ राहुल भोज, पता करूँगा अपनी लाइव ऑडियंस से कि क्या वो फिल्म के लिए इंटरेस्टेड है, क्या वो संजय सर के सपोर्ट में है, उन्हें क्या लगता है सर के इस मास्टरपीस के बारे में। सारी ये बातें जाने आज उनसे, चलिए जानते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। First, we should have to see the movie only. Then afterwards, we should judge the movie. First, we have to see it and see the what is the position of Rani Padmavati and all. पहले हम लोग को मूवी देखनी चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग उसके फीडबैक्स दे सकते हैं। It is not good actually. Where we have freedom of speech and expression, people are allowed to express their feelings. And it is not that Sanjay Leela Bhansali is showing something irrelevant in his movies. So yeah, it's wrong. It's completely wrong. It's wrong, ma'am. I think it's not so good. I like the film and आज तक ऐसा मतलब संजय लीला बंसाली ऐसा मूवीज़ बनाते हैं तो इट्स नॉट लाइक बाजीराव मस्तानी में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था तो पद्मावती में भी प्रोटेस्ट नहीं रहना चाहिए। फर्स्टली आई फील पीपल शुड नॉट जज जस्ट बाई वॉचिंग द ट्रेलर बिकॉज दे डोंट नो वॉट एक्चुअली इज देयर इन द मूवी लाइक द होल स्टोरी एंड एवरी थिंग सो जस्ट बाई ट्रेलर यू कैन नॉट जज अ फिल्म लाइक यू नीड टू फर्स्ट गो एंड वॉच इट एंड देन मेक अ जजमेंट वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट। So before just doing this protest and everything, let just wait for the movie to release and then release it on a big screen and then give your review and then give your opinions because opinions are always welcome. So obviously first they should watch the movie and then give a review. I do feel the same, like protesting now is it doesn't make any sense right now. So before like watching the movie you cannot say that this is this and this is that, this is degrading someone's image like Padmavati's image or something. Some are even also stating that they are going to have a romantic sequence between Rani Padmini and Alauddin Khilji. But the director, yeah, this is a rumor because the director has himself cleared that there is nothing like this. So just watching the trailer and before the release of the movie, you just can't do this. It doesn't make any sense actually. It doesn't make any sense. Yeah, it's okay, it's fine, but इतना गुना भी नहीं किया संजय लीला भंसाली ने मूवी को बना के, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, इसमें कुछ गुना नहीं किया उसने। हाँ वो उतना करेंगे नहीं हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ, वो क्यों छेड़खानी करेंगे। ही इज सेंसिबल, ही हैज सम नॉलेज अबाउट फिल्म्स। इन बाजीराव मस्तानी इवन ही शोड द मूवी सो ब्यूटिफुली, आई लव्ड दैट मूवी एंड आई एम गोना वॉच दैट मूवी फॉर रणवीर सिंह। मेरा तो बस मैं आई वांट टू सी द फिल्म एंड आई विल एंजॉय द फिल्म। विदाउट इंडियन हिस्टोरिक पिक्चर है और इंडियंस को वो पिक्चर देखनी चाहिए। पूरे लाइफ पद्मावती रानी की पूरी लाइफ है ना, पूरी वो देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया था, क्योंकि है ना पद्मावती की मैंने जस्ट जस्ट एक ये देखी थी, डॉक्यूमेंट्री देखी थी, बहुत अच्छी थी, 6 मिनट की वीडियो थी यूट्यूब पर, बहुत अच्छी थी, देखनी चाहिए पूरी इंडिया को। वो अगर मूवी में कुछ ये हुआ तो हाँ तो प्रोटेस्ट करना, पर हम लोग पोलाइटली लेना चाहिए वो सब, मतलब संजय सर को मार की वगैरह हम लोग कुछ ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको जो लगा वो उन लोग मतलब उन लोग ने अभी रिसर्च किया रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ प्रोटेस्ट होना चाहिए बिकॉज उन्होंने बहुत सारे फिल्म्स बनाए हैं एंड ऑल, सो उनको पता होगा कि क्या होना चाहिए फिल्म में एग्जैक्टली। संजय सर हैज ऑलवेज लाइक काइंड ऑफ मेकिंग अ गुड फिल्म्स अकॉर्डिंग टू हिज रिसेंट टाइम्स। Even there was a film like Hrithik Roshan, Jodha Akbar. It was a good, but it was backlisted, unfortunately. And yeah, it's a good one. It's actually hilarious because अगर CBF जो भी नाम है, CBFC. हाँ, वो अगर अप्रूव कर देती है फिल्म को, वो लोग तो पागल हैं नहीं ना। They will approve the film after looking into it. So वो लोग पागल नहीं है, तो उन लोगों को इतना protest करने का क्या है? Why? They don't need of permission. Exactly, ma'am. No, there's no need of permission. Obviously it is hilarious, it is like nonsense, kuch matlab nahi hai iska. And I have heard that Salman Khan has come out in support of Sanjay Leela Bhansali and I really appreciate that. Padmavati ke sabse pehle mujhe excitement bataiye, why you are excited for the film? Obviously Ranveer Singh, there is no other excitement than watching Ranveer Singh on television. On television or screen? Oh, maybe on a big screen. Yeah, obviously. I'm excited for two reasons. First is Shahid and Ranveer, both are my favorite actor. So, क्या आप संजय सर के सपोर्ट में हैं? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप सर को सामने? Definitely मैं संजय सर मैं बिल्कुल आपके सपोर्ट में हूँ, बल्कि हम सब आपके सपोर्ट में हैं। So आप
वरी मत कीजिए बिल्कुल, जस्ट थम्स अप, दैट्स इट, गो ऑन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. या एज माई सेल्फ एज अ म्यूजिशियन आई थिंक आई एम सपोर्टिंग द आर्ट एंड या आई एम सपोर्टिंग द रिलीज. संजय लीला बंसाली साहब, वी आर इन सपोर्ट ऑफ यू, गो एंड मेक ऑल दोज मूवीज, वी लव इट. या सर, वी आर विथ यू, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, वी आर विथ यू. Sir, we are with you. Please keep making these kind of movies. We love it. We love it. Me too. Me too. That's it? Yeah. Sanjay sir, we are with you. Don't worry. Sir, we just want your movie to get released. Though we, like, we students cannot do anything, but we are just in your support. Just release the movie as soon as possible and we are eagerly waiting for it and already excited. Mera naam hai Rahul Bhoj, aapka apna banda. With cameraman, kaun sa? Dipesh.